मेक माय हैंगिंग फ्रेम जो कि मैं पेड़ पे लटकाऊंगी, उसके लिए मुझे, मैंने अपने स्टोर रूम में देखा तो ये तीन मुझे स्ट्रिप्स मिली हैं, तो दो तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ की हैं, सो दो हो गई, और एक ये जो लंबी वाली है इसको आई विल स्प्लिट इन टू, तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाएगा और इसको आई विल डिवाइड इट इन टू टू पार्ट। के लिए मैंने मार्किंग कर ली है और जहाँ से मुझे ब्रेक करना है उसके नीचे मैंने एक हैमर रख दिया है, और अब दूसरी हैमर को मैं यहाँ पे हिट करूँगी सो दैट कि ये यहाँ से टूट जाए टू पार्ट्स में। आधी टूटी, सो यस इट्स डन। थोड़ा सा शेप कर लेते हैं इसे, देखते हैं क्या ये ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ की आई है कि नहीं। नहीं, छोटी बड़ी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा अल्टर कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। अभी मेरे पास नेल्स तो है नहीं, तो व्हाट आई विल बी यूजिंग इज दिस, ये जो पेपर पेंस होती हैं, देखते हैं काम करती है कि नहीं। आई एम यूजिंग फेविकोल टू फिक्स दीज जॉइंट्स बिकॉज नेल्स तो मुझे मिल नहीं रही हैं, और वो पेपर पेन वाली जो ट्राई कर रहे थे वो चली नहीं, तो आई एम फाइंडिंग आउट अगर मुझे घर में नेल्स मिल गई तो मैं नेल्स इसमें लगा दूंगी, और एल्स मैं इसको फेविकॉल से चिपका करके रात भर के लिए रख देती हूँ। अभी ये वुड का पैनल जहाँ जहाँ से भी ब्रेक है वहाँ पे मैंने फेविकॉल लगा दी, और अब मैं इसको ऐसे टाई कर दूंगी थ्रेड से, तो ये कुछ समय में सूख जाएगा और बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी फ्रेम कुछ ऐसा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग है अभी 5:30 इन द मॉर्निंग, और मेरा जो ये फ्रेम है जिसे मैंने कल रात को फेविकॉल से लगा के रखा था, इट हैज स्टिक्ड वेरी वेल। देखिए, मैंने इसे प्लांट पे हैंग करके भी देखा है, ऑल दो मैं इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न में हैंग करूंगी, डिफरेंट पैटर्न में, पर अभी बस ऐसे ही जस्ट टू टेस्ट कि क्या ये हैंग हो पा रहा है या फेविकॉल से ये चिपक गया है। तो हाँ, ये देखिए चिपक गया है, और जो साइड के जो इसमें क्रैक्स थे जहाँ पे हमने फेविकॉल भर के फिक्स किया था वो भी देखिए भर गए हैं ऑलमोस्ट, और जो है अब इसको थोड़ा सा, वैसे तो मैं इसे ऐसे भी रख सकती हूँ बट आई एम प्लानिंग कि मैं इस पे जो है पेंट कर दूँ, तो मैं ये फैब्रिक कलर का, मेरे पास ब्राउन शेड है, आई होप विजिबल हो, या तो वही मैं इस पे करने वाली हूँ। और कल मैंने क्या किया था, खड़ी खड़ी, मतलब आई वॉज गेटिंग बोर्ड, सो मैंने फेविक्रिल के कलर से ही ऐसे ही लिख दिया गार्डन पार्टी, एंड ये दो जो क्रिएचर्स हैं, जो एक बजा रहा है तबला और दूसरा बजा रहा है बाजा टाइप का, वो इस वॉल पे थे, पर मैंने यहाँ पे ये लगा दिए और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और इन द मीन टाइम मैंने बैठे बैठे ये भी लिख दिया कि अ गार्डन इज अ फ्रेंड यू कैन विजिट एनी टाइम। आई एम नॉट वेरी गुड एट थिंग्स बट एक पर्सनल टच देने के लिए मैंने ही कर दिया। अब मैं इसे पेंट कर देती हूँ, फिर वो सूख जाएगा, फिर हम इसे हैंग करके डेकोरेट करेंगे, तो पेंट करने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, द फ्रेम इज नाउ पेंटेड, और मैंने सिर्फ एक ही कोट किया है इस फेविक्रिल के ब्राउन कलर के एक्रेलिक शेड का, और इट हैज कम आउट वेल। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डेकोरेटिंग दिस विद सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स विच आई एम हैविंग। मैं ढूंढती हूँ घर में, अगर मुझे कुछ दो तीन तो हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जितने एज मनी एज पॉसिबल मिल जाते हैं, तो मैं डेकोरेट करके इसे हैंग कर दूंगी। पहले हैंग करूंगी, बाद में डेकोरेट कर लेंगे, बिकॉज हैंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, और देखते हैं घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी उसी से डेकोरेट करेंगे, बिकॉज वी आर इन लॉकडाउन 2.0। सो मुझे घर में ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की स्ट्रिंग मिली है, तो इसको मैंने इसके टॉप एंड पे जो वायर से हमें इसे सिक्योर किया था उसी में फंसा दिया है और ऐसे लटका दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसे ऐसे वर्टिकली भी कवर कर दूँ, और मुझे घर में ये मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे इसको लगा दूँ, हैंग ही करूँगी सम
थ्रेड्स लिए हैं मैंने, जिनसे मैं इसे सिक्योर करूंगी इस पे। और पर समझ में नहीं आ रहा कि फ्लावर्स का डायरेक्शन क्या रखूं। सो मुझे घर में ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की स्ट्रिंग मिली है, तो इसको मैंने इसके टॉप एंड पे जो वायर से हमें इसे सिक्योर किया था उसी में फंसा दिया है और ऐसे लटका दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसे ऐसे वर्टिकली भी कवर कर दूँ। और मुझे घर में ये मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे इसको लगा दूँ, हैंग ही करूँगी। सम थ्रेड्स लिए हैं मैंने, जिनसे मैं इसे सिक्योर करूँगी इस पे। और पर समझ में नहीं आ रहा कि फ्लावर्स का डायरेक्शन क्या रखूँ। सो अर्लियर आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ मेटल का है लव, इसको यहाँ नीचे हैंग करूँगी, पर नीचे ये स्ट्रिंग आ रही है तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसे ऊपर वाले पोर्शन में हैंग कर दूँ। सो आई हैव हैंग्ड इट अपवर्ड्स। और अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे इस तरफ हमने ये वाइन ऐड करी है आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, अगर इधर भी ऐड हो जाए तो प्रोबेबली ये फ्रेम बैलेंस्ड हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ इसमें वो फ्लावर्स हैं और एक तरफ नहीं है। सो मुझे याद आ रहा है कि ऊपर मैंने छत पे अपने एक बर्ड्स के लिए कोजी कॉर्नर बनाया, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल सिमिलर वाइन लटकी हुई है, तो उसे लेके आते हैं और इस तरफ ऐड करके देखते हैं कैसा लग रहा है। सो ये है वो बर्ड्स का कोजी कॉर्नर जो हमने बनाया है, और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा वो आर्टिफिशियल वाइन लटकी हुई है। सो मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगी। इसके लिए स्टूल चाहिए होगा। अभी विदाउट स्टूल ही आ गया। वाइन निकलने के बाद ये थोड़ा सूना सूना लग रहा है, पर लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ पे एक वाइन ला के ऐड कर दूंगी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। फ्रेम के बोथ एंड्स पे मैंने ये आर्टिफिशियल वाइन ऐड कर दी है, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इट हैज कम आउट नाइस। अभी सोच रही हूँ कि ये जो जो नीचे लटक रहे हैं इधर और इधर, इनको आपस में जॉइन कर दिया जाए। व्हाट लाइक दिस। मजा नहीं आ रही है। अभी बेटर है, रात को फेरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो प्रोबेबली और सुंदर लगेगा ये। अभी इसको थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे सिक्योर कर देना चाहिए, वाइन को करके आपसे मिलती हूँ। इसे थोड़ा और सिक्योर करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, एंड दिस इज लुकिंग प्रिटी नाउ। और अब मैं पीछे का एरिया थोड़ा सा क्लीन अप करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल रिवील। सो या दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग। बहुत ही प्यारा सेल्फी पॉइंट ये क्रिएट हो गया है। और शाम को जब ये लाइट्स जलेंगी तब और भी सुंदर लगेगा। मैं कोशिश करूँगी कि शाम की फ़ोटो इसमें इंसर्ट कर दूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। सो ये है इसका शाम का लुक। ये लाइट्स जलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैंने, मम्मा ने, जुजू के साथ यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करी। आप भी अपने गार्डन में ऐसा सेल्फी फ्रेम DIY करिए और मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करिए कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।